एरर इतना ही है। कमजोर माफिया ना मंजूर, 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 कमजोर माफिया ना मंजूर। अकलीतों को अकलीतों को अकलीतों को रिफॉर्म अमूद को गिरफ्तार करो, 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 जाली रजिस्ट्री जाली डिग्री कैंसिल करो, जाली रजिस्ट्री जाली डिग्री कैंसिल करो, कब्जा माफिया ना मंजूर, कब्जा माफिया ना मंजूर, कब्जा माफिया ना मंजूर, कब्जा माफिया मुर्दाबाद, कब्जा माफिया मुर्दाबाद, कब्जा माफिया मुर्दाबाद, कब्जा माफिया मुर्दाबाद। जिन जगहों पे कब्जा किया गया है मसीह में साहब को सलाम। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि यह हमारा कब्रिस्तान मानपुरा जो कि 100 साल पुराना कब्रिस्तान है और हमारे दादे परदादे की कब्रें यहाँ पे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरी उम्र 57 साल हो गई है लेकिन ये इतना पुराना कब्रिस्तान है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और ये आज एक आदमी जो कि नाम नहाद रिफम ममूद एक कब्जा माफिया है, उसने आज से 8 माह पहले इस कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है और जाली रजिस्ट्री बनाकर जाली डिग्री लेकर अदालत से तो इस पर कब्जा करना चाहता। अब हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि हमारे अकलीतों के हकूक दिए जाए। ये आज अकलीती डे है, आप हमें अकलीतों अकलीती डे पर हमें क्या तहफ़ देते हैं? आप हमारी कब्रों को महफूज नहीं रहने दे रहे, हमारी कब्रों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। कल को आप हमें इस मुल्क से कहेंगे निकाल दो, हमारा बराबरी का हकूक है, ये हमारा पाकिस्तान है और हमारा ये हक है कि हम यहाँ पर रहें और अपनी कब्रों की हिफाजत करें। मेरी आप सब से अपील है, हुकूमती अदारों से अपील है कि आप जल्द से जल्द ये नोटिस लें और रिफॉर्म अमूद को कफरे अंदाज तक पहुँचाएं, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें ताकि आइंदा कोई भी शख्स ये जुर्म न कर सके कि कब्रिस्तान के ऊपर कब्जा करे। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो मतहदा मसीही कब्रिस्तान है मोहल्ला करमाबाद में, इसके कब्जे को वागुजार करवाया जाए और एक ग्रोह जो रिफत नामी महमूद शख्स है जिसने जाली डिग्री बनवाई और जाली डॉक्यूमेंट रेडी करके उसने अदालत से डिग्री ली। हमारे इन तमाम दर मामलात को हम आला हुकूमत को कहते हैं कि कब्रिस्तान की चार दीवारी के तकद्दस को पमाल किया जा रहा है, वहाँ पर नाले निकाले हैं, कूड़ा फेंका जाता है और कब्रों की बेहरमनी की जा रही है, इसको रोका जाए और कब्जे को वागुजार किया जाए ताकि इस मुल्क पाकिस्तान में आज़ाद मुल्क में ये दीन मसीहत भी अपने हकूक पर फाइज है और राहदारी के जो इस दिन में इस मुल्क के अंदर मसीहत को पूरे हकूक दिए जाए, मेरी आला हुकूमत से इस्तदआ है। थैंक यू। यीशु मसीह के अजीम जलाली फतेहमंद नाम में आप सबको आज कम्युनिटी डे के मौका पर सलाम अर्ज करता हूँ। मेरा नाम पास्टर यूसुफ है और मैं फाजिया कुंडली का रहने वाला हूँ। आज इस जगह पर प्रेस क्लब में एहतजाज के लिए इसलिए जमा है कि हमारा बहुत ही पुराना 100 साल से पुराना कब्रिस्तान जहाँ पर हमारे बाप दादा की कब्रें हैं वहाँ पर एक रिफत महमूद नामी शख्स ने कब्जा करने की कोशिश की है, उसके फ्रंट को उसने उसकी रजिस्ट्री बनाई है, लेकिन हम सब उसको कंडम करते हैं, उसके खिलाफ होते हैं और उन्हें कहते हैं आप हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसकी सारी रजिस्ट्री को इसके सारे कब्जा को खत्म किया जाए और मसीह कम्युनिटी का ख्याल किया जाए और मसीह कौम को तहफ़ दिया जाए ताकि मसीह कौम की कब्रें महफूज रह सके। इसलिए मैं कौम को आज अपनी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं पूरी कौम कि हमारी कब्रों की हिफाजत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तमाम पाकिस्तानियों को आज मेजॉरिटी डे की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और रवादारी तहरीक के साथ मिलकर हम सब हुकूमत से अपील करते हैं कि मसीही कब्रिस्तान पर जो कब्जा किया जा रहा है उसको खत्म किया जाए और मसीही कब्रिस्तान को सिर्फ मसीहियों के लिए रहने दिया जाए। शुक्रिया। हम सब टीदा कमाल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हम और रवादारी तहरीक के साथ मिलकर इस बात का अजम करते हैं
कि तमाम कब्जा माफिया से कब्रिस्तानों को क्रिश्चियन मालकियत को आजाद करवाया जाए और ये लाकानूनियत को पाकिस्तान से खत्म होना चाहिए। 100 साल पुराना कब्रिस्तान है जरा कब्जा किया जा रहा है, इस बार महमूद है वो अगे भी कई बार उन्हें कब्जे की कोशिश की थी है ले आया और फिर कोशिश की थी है। पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर जी नाजरीन, अभी जैसा कि आपने देखा कि 11 अगस्त जो कि अकलियतों का आलमी दिन है और यहाँ पे रहमानपुरा जो मसीह कब्रिस्तान है जिस पर रिफत महमूद और उसके अलावा जो बाकी बहुत सारे जो मुस्लिम हजरात हैं वो कब्जा करना चाह रहे थे और आज यहाँ पे उन्होंने प्रेस क्लब के सामने इस बात का एहतजाज किया कि हमें हमारे कब्रिस्तान का जो हक है वो ना छीना जा सके। और नाजरीन आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल न्यूज़नामा इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उनको ब्रेक करता है और अपनी जो कौम है उसकी आवाज बनता है ताकि आपको जो हकीकत है वो बयान की जा सके कि किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए अकलियतों के हकूक को छीना जा रहा है। और आज 11 अगस्त, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि आज 11 अगस्त अकलियतों का आलमी दिन है और ये सारे लोग आप देख रहे हैं कि ये वो तमाम लोग हैं जो रहमानपुरा के क्रिश्चियन कब्रिस्तान के साथ वाबस्ता है। और ये एक बस्ती नहीं है, जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि कम से कम 9 से 10 बस्तियां हैं जो कि इस कब्रिस्तान से वाबस्ता हैं और वो अपने मसीह के जो लवाकीन हैं उनको वहां पे दफनाते हैं। तो नाज़रीन आप नेशनल न्यूज़नामा को देखते रहें और इस बात के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते रहें और अपने ख्याल का इजहार करते रहें ताकि हम और ज्यादा आपकी आवाज को अवानों तक पहुंचाने का वसीला बन सके। इसी बात के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन तारक पैरों को दे इजाजत, खुदा हाफिज़।